जो घंटे पे घंटे बजाया जा रहा है, वो सब भर कहां गए? राजेश, रुको। व्हाट द हेल? चाची जी, कम से कम लाइट्स तो ऑन कर देते। ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं? चाची आइए। डैडी जी, आप मेरी चाची, मेरी बहनें, तीनों से मिले होंगे ना आप? मेरा मैं इन सबको जानता हूँ, लेकिन यहाँ ये क्या कर रहे हैं? क्यों हैं यहाँ पर ये? अंदर आइए, चलिए। मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ। डैडी जी, मैं सोच रही थी कि अगर थोड़ी सी हेल्प मिल जाती तो ये सामान उठाने के लिए है। सारे बैग्स उठा। पानी, ये हमें हमारे सामान के साथ उठा के बाहर तो नहीं फेंक देंगे? मुझे लगा तूने बात की थी, कहा था कि। चाची आप चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, घबराइए मत। मीरा देव, एक और बार पापा को फोन कीजिए ना, वो नहीं आ रहे हैं तो मेरा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा। उन्हें भी अच्छा नहीं लग रहा था, करे थे दामाद जी के घर जाते, अच्छा नहीं लगता ना, ऐसी अपनी ईगो लेके बैठे हैं। वैसे तेरे ससुर की शक्ल देख के तो लग रहा है अच्छा ही किया नहीं आए। थैंक यू सो मच डैडी जी, तुम दोनों के मजबूत कंधों की तो जरूरत थी, प्लीज इन्हें हेल्प कर दीजिए। ए हाथ मत लगाओ, छोड़। मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, ये सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये लोग यही रहेंगे मेरे साथ। किससे पूछकर? ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं है, कोई भी पूँछ उठा के चलाए। और तुझे इजाजत किसने दी? पानी को किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है डैड, इसका घर है, इस घर की बहू है, इसका परिवार मतलब मेरा परिवार। दामाद जी, आपने तो दिल्ली जीत लिया। जीते रहो। अब बलवंत भाई साहब, आपका बेटा ना बहुत सही है। तुम लोग भाग जाओ। पानी चले, नाश्ते में क्या बनना है उसकी भी तैयारी करनी है। और तूने बताया था ना कि वीर की मदर की तबीयत खराब है। अच्छा, तो यहाँ ये सब चल रहा है, उसके लिए हो रहा है सब कुछ? तुम लोग मुझे अब पागल कर दोगे, मेरा सिर फटा जा रहा है। वैसे तुम्हारा वो भाई कहीं दिखाई नहीं दे रहा? मोनेल या मोनेल, वो अब नहीं रहा। रियली? I'm so sorry, मुझे नहीं पता था। मुझे बहुत याद आ रही थी उसकी। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, अब मुझे उसकी याद नहीं आएगी। अगर मैं खुश रहूंगा ना तो उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। वैसे आई डोंट लाइक द कर्टन, तो प्लीज चेंज करवा दो। हाँ, और ये सोफे और कुशन्स का कलर कितना डार्क है, वी हैव टू गेट इट चेंज्ड ASAP। ये मेरा घर है, क्या क्या करके? अच्छा हुआ आप लोग यहाँ आ गए, अब बानी को ये घर भी अपने घर जैसा लगेगा। आइए आपको कमरा दिखा दूँ आपका, I'll get the bag। थैंक यू मेरा साथ देने के लिए। मुझे लगा था कि तुम भी नाराज हो जाओगे कि मैंने। कभी नहीं, तुमने जो इस घर में रुकने का फैसला किया, इस शादी में रुकने का फैसला किया मेरे साथ, उसके बाद तो सारे घर वालों को, अपने सारे इंसानों को इधर लेकर आ गई हो। जय, मुझे ये काम बहुत पहले कर देना चाहिए था। क्या? हाँ, हमें पता है कि इस घर में कोई एक है जो बीच पीछे वार करने वाला है। पानी, ये चीड़ों का परिवार है, यहाँ पे सब बीच पीछे वार करते हैं। हाँ, लेकिन कोई एक ऐसा है जो इनके बीच में रह के भी इनका नहीं है, और वो ही असली कातिल है, तीर का भी और मॉनिल का भी। और तुम्हें क्या लगता है इसका पता मीरा महक देखकर तुम्हारी चाची लगा लेंगे? हाँ, क्योंकि वो इंसान है।
हम दोनों हमेशा चील को एक ही नजर से देखेंगे और वो है दुश्मन की नजर, और मेरे घर वाले इसके परे देख पाएंगे और असली कातिल को जान पाएंगे। पानी, तुम ऐसा करके अपने परिवार वालों की जिंदगी खतरे में डाल रही हो। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मेरे होते उन पे आंच तक नहीं आ सकती, और वो कातिल वो तो बिल्कुल नहीं बच पाएगा। इस घर में जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सबके सामने बहुत जल्द आएगा, मेरे भी और चीलों के भी। अगर इस आदि नागिन को मेरी असलियत का पता चल गया तो मारकाट हो गया। मारकाट मेरा मतलब है कि हो रहा है मारकाट। जीन नाग इंसान सब एक ही छत के नीचे आ गए हैं। पानी आदि नागिन सब जान चुके हैं। उस वीडियो में उसे घर से निकलने के लिए कह दिया था, लेकिन वो सर फिर आदि नागिन उस घर से निकलने के बजाय घर वालों को भी उसी घर में लेकर आ गई है, उन इंसानों को। मारकाट, समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। क्या हरकत है? मैं आपकी तरफ हूँ मारकाट। लेकिन हम केवल शिव जी की तरफ है, आदि नागिन की तरफ नहीं। आप मेरी बात को समझ रही हैं पंडिताई? मैं आपको सिर्फ इतना, जय का सच नहीं बता सकती आप, वो आदि नागिन को खुद पता करना होगा। आपको कितनी बार बताऊं मैं ये? तुम मत बताइए, मत बताइए। जो बातें पंडित जी मुझसे कहते थे वही बातें आप मुझसे कह रहे हैं। क्यों एक ही बात पे अड़े हुए आप लोग? अब अदित का लिखा बदल रहा है। आदि नागिन जिन लोगों पे भरोसा करती थी वो आज सारे उसके दुश्मन बन बैठे हैं। ऊपर से और नए दुश्मन आ रहे हैं। और नए दुश्मन आ रहे हैं मतलब? आइए मेरे साथ। ये मिला है मुझे, और मैं जानती हूं इस कागज में जो कुछ भी है वो सच होने वाला है। शत्रु जी आ रहे हैं? शायद अब तक आ भी चुका है। अगर ये आ गया तो अनर्थ हो जाएगा। आदि नागिन का सबसे बड़ा दुश्मन है ये। कहीं इसी वजह से तो फिर ने पानी को वहां रोक के नहीं रखा? या कहीं ऐसा तो नहीं कि वो चील खुद इस जीव के साथ मिला हुआ है? इसका मतलब कि आदि नागिन हर तरह से खतरों से गिर गई है। एक तरफ वो चीलों का झुंड, एक तरफ वो दगाबाज आदि नाग, और एक तरफ ये प्राणघातक जीव।
आपकी दवाई का समय हो गया है। माँ, 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 तुमने माँ को देखा? नहीं, वो अपने कमरे में। सब जगह देख ले, कहीं नहीं है वो। पता नहीं कहाँ गई। माँ, माँ, विरांचो मिल जाएंगी वो। माँ, हम ढूंढ लेंगे उन्हें। तो तुम मेरी तरफ हो? हाँ, 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 इसमें कोई शक नहीं है। तो वो करो जो मैंने कहा है। हारना बर्दाश्त नहीं है मार काट को। जैसे आप बोले। उस आदि नागिन को दूर करो उस वीरांशु से। कुछ भी करो, कैसे भी करो, लेकिन ये करके दिखाओ। हो जाएगा मारकाट, हो जाएगा। क्या तुम पे भरोसा किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल 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 किया जा सकता है। आप तो कमाल हो, कमाल हो, बेमिसाल हो। माँ, आपने उन चीजों को अपनी मुट्ठी में कर लिया, उन्हें अपने कदमों में झुका दिया, उन्हें यकीन दिला दिया कि आप उनकी मार्केट हो, उनकी मारकाट हो। लेकिन आप तो उनकी मारकाट हो ही नहीं, उनकी मारकाट तो कोई और है। जिसका पता किसी को नहीं चलना चाहिए। ध्यान रखना, मेरी असलियत कोई जानने ना पाए। बिल्कुल बिल्कुल, इसका पता किसको नहीं चलेगा। मैं वादा करता हूँ ये राज सिर्फ इस गुफा तक ही रहेगा। लेकिन इसके आगे का प्लान क्या है? आगे होने का वाला है? ओ, वो तू सोच भी नहीं सकता। हम उन्हें ढूंढ लेंगे। बानी, मेरी माँ मुझे मिल नहीं रही। अगर फिर से छोड़ के चली गई तो मैं कैसे जीऊंगा? माँ के बगैर मैं मर जाऊंगा। मेरी माँ, वो पहले ही बहुत डरी हुई है, एकदम से जाओगे तो घबरा जाएंगी। तू आहिस्ता जाना, ओके? आराम से, ओके? कौन हो? कौन? मैं वीर, 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 तेरा वीर, वीरांचु। हाँ, वीर, वीर, हाँ, वीर, वीर, मैं डर गई थी। मैं क्यों? मुझे चोट भी लग गई। कोई बात नहीं, मैं दवा लगा दूंगा, ठीक हो जाएगा। हाँ, जैसे बचपन में तू दवा लगाती थी ना, जब मैं गिरता था, ऊपर से गिरता था। एक मिनट। चॉकलेट। चॉकलेट ले। चॉकलेट माँ की कमजोरी थी,
बचपन में सब कुछ बांटती थी, पर कभी कभी मेरी चॉकलेट भी मुझसे छीन लेती थी, चोरी करती थी। ये याद है? अंदर चलते हैं, चल काले सब तेरा ही है, चल। अरे भाई आप हो क्या? हमें लगा इनकी बॉम है। महक देख, तुम लोग इतनी रात को बाहर जा रहे हो, तुमने अपनी मॉम से परमिशन ली? और तुम दोनों, तुमने चाचू से पूछा क्या? भाई आपको क्या हो गया, हम बच्चे थोड़ी ना है। हमने तो स्कूल में भी परमिशन नहीं ली। और अब तो वैसे भी हम 18 प्लस हो गए हैं, हम अडल्ट्स हैं। वो नहीं सुनेंगे, कभी नहीं सुनते। मैंने एक्चुअली उन्हें ऊपर रूम में भी समझाने की कोशिश की थी, पर मैं जानता हूँ कि तुम परेशान हो, बट डोंट वरी, उन्हें कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारी बहन है ना, उन्हें कुछ होने भी नहीं देगी, वो एकदम सही सलामत रहेंगे, क्योंकि तुम्हारी बहन है। मतलब कि वो आदि नागिन। मैं जानती हूँ, लेकिन मेरी माँ और महक दह की बात नहीं जानते, तो आप प्लीज उनके सामने कुछ मत कहिएगा। नहीं डोंट वरी, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा, और इनफैक्ट अपने भाइयों को भी समझा दूंगा कि अपना मुंह बंद रखे। थैंक्स नितेश। यू वेलकम। ये नया मार्केट है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली। आपको पता है इस जीव से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में? आपको पता है इस जीव को उसकी शक्तियां कैसे प्राप्त हुई? ये बहुत पुरानी बात है, बरसों बरस पुरानी। इसने घोर तपस्या की थी, उसने भोलेनाथ की तपस्या की, घोर तपस्या की। दिनों महीनों सालों एक पांव पर खड़े होकर उसने भोलेनाथ की तपस्या की। तब तक तपस्या करते रहे जब तक कि भोलेनाथ स्वयं उसके सामने प्रकट नहीं हो जाते। भोलेनाथ मुझे एक साथ इंसान सर्प और पक्षी होने का वरदान दो। मांग विचित्र थी, लेकिन फिर भी भोलेनाथ ने उसे स्वीकार किया। उन शक्तियों के मिलते ही वो औरत बहुत घमंडी हो गई। उसके उसके हट की कोई सीमा ही नहीं थी, और उसी हट के मद में उसने भोलेनाथ से वो मांग लिया जो उसे बहुत महंगा पड़ा। मुझे ये चांद चाहिए भोलेनाथ, आपके सर का ये ताज। शिव जी ने इनकार करते हुए उसे चेताया, उसे हद में रहने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसका यह घमंड उसका सर्वनाश भी कर सकता है। इस तरह उससे उसका आधा चेहरा छिन गया, लेकिन फिर भी उसका घमंड नहीं टूटा। मैं अब भी बहुत शक्तिशाली हूँ,
कोई मुझे हरा नहीं सकता सिवाय आधी नागिन के। एक वही है जो तुम्हें टक्कर देगी। लेकिन मुझसे जीतेगी नहीं, मैं उसे भी हरा दूंगी, धूल चढ़ा दूंगी भोलेनाथ। ये सतयुग की बात थी, और इसके पहले कि वो आदि नागिन को उस युग में चुनौती दे पाती, सब मर चुके थे। तो अब इस युग में दोबारा लौटी है? हाँ। लेकिन आदि नागिन नहीं जानती कि ये उसकी सबसे घातक दुश्मन है, और हमारी मजबूरी थी। हम आदि नागिन को ये सब नहीं बता सकते। बिल्कुल नहीं बता सकते। नहीं बताएंगे तो आदि नागिन ये जंग जीतेगी कैसे? नहीं जीतेगी, वो जीत भी नहीं सकती, क्योंकि मैं जो उसके साथ मुझ पे आंख बंद करके भरोसा करती है, और वो ये भी नहीं जानती कि मैं आपका बेटा हूं। हाँ मां, मैं आपका सबसे बड़ा हथियार हूं। मेरा सबसे बड़ा हथियार, और मैं उस हथियार की धार जिसने मारकाट बनके इन चीलों के खूब पर काटे। सही कहा, मर्दाना आवाज निकाल के आपने खूब मूर्ख बनाया इन सबको। ये तो मानना पड़ेगा। वैसे हम अपना काम कब शुरू कर रहे हैं माँ? कल से। कल चांद अर्थ चंद्रकार पे होगा हमारा पूरा काम करने का दिन। जरूर जरूर। वैसे माँ, आप तो किसी को भी चुटकी मुट्ठी में कर सकती हो ना? हाँ, बानी को हराने के लिए मैं किसी को भी अपने वश में कर सकती हूँ, किसी को भी। इरादी कहाँ है आप? आपको मेरी हेल्प करनी थी, ये शाम की चाय के बाद रात के डिनर की प्लानिंग करनी थी हमें। यही प्लान है मेरा, वहां सबको खुलने मिलने का मौका मिल जाएगा, और मुझे उन पे नजर रखने का। पानी, तूने तो डरा ही दिया मुझे। मीरा दे, डरा आपने मुझे दिया। आप हैं कहाँ? हाँ, कल रात को भी आप गायब हो गई थी, आज सुबह से मुझे दिख नहीं रही है। कहाँ गुम गया? वो क्या दी? अब बानी, तो एक काम कर, तू चाय लेके जा, मैं सैंडविचेस लेके आती हूँ। हाँ ठीक है। क्या नया तमाशा है? तमाशा नहीं है दादी जी, चाय नाश्ता होने वाला है, वो भी पूरे परिवार के साथ, और आज रात को एक बहुत अच्छी डिनर पार्टी भी होगी। भाई साहब कैसे हो? बानी के हाथ की चाय पी? बानी ना बड़ी चंगी चाय बनाती है, पी के देखो। वैसे भाई साहब, आपकी बीवी दिखाई नहीं दे रही। मुझे याद है आप कह रहे थे आपके घर में तो कोई औरत नहीं रहती, लेकिन आप कहाँ जाएंगे? घर में ही होंगी, कहीं अपने कमरे में बैठी होंगी। चाची, चाय। थैंक यू। क्या बात है, आज बानी शर्मा सबके लिए चाय बना रही है, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? ऐसा सपने में भी नहीं होगा, अपनी चाय खुद उठा लो। तुम्हारा भरोसा नहीं है, कहीं चला दिया तो। ये क्या महसूस हुआ मुझे? ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बुरी काली तामसिक शक्ति मेरे आसपास हो, वो जो भी है इसी टेबल पे है। हे भगवान, इसका तो मुझ पे बहुत ज्यादा असर हो रहा है, लेकिन ये नकारात्मक तरंगे मुझे मिल किससे रही हैं? आज रात को फिर बाहर चलें? नेकी और पूछ इसका। डार्लिंग, आज रात को मैं तुम्हें बाहर लेके जाऊंगा। मुझे बहुत उलझन हो रही है कि ये तामसिक शक्ति जो भी है मुझे
मुझे बहुत परेशान कर रही है ये। तुम चाय नहीं पियोगे? नहीं, मैं एक मिनट में आई। मीरा पता नहीं कहां चली गई। घबराओ मत, मैं जानता हूं बानी के पास वो ताकत जरूर है कि वो अपने आसपास की नकारात्मक ताकत को भाप जाए, लेकिन यकीन करो ना तो हमारे प्लान को चेंज कर पाएगी और ना ही उसके नतीजे को। चलो सबके सामने चलते हैं, पर कैफ किसी को पता नहीं चलना चाहिए। कम ऑन। वैसे भाई साहब, मेरी मीरा ना घर का सारा काम कर लेती है, बहुत चंगे से संभाल लेती है। अब दिखने में इतनी सुंदर नहीं है, पर शक्ल का क्या है? बुढ़ापे में कौन शक्ल देखता है, सबकी शक्लें ऐसी हो जाती है। वैसे भाई साहब, आप अभी, मेरा मतलब है ज्यादा जवानी में तो आप और चंगे लगते होगे ना। पवन शुक्ला, हमेशा गुस्से में ही रहते हैं। क्या बात है, सब साथ में बैठे हुए हैं। चाय और सैंडविचेस, नॉट बैड। किसने बनाया? पानी ने। और बैड बुरो है का? तुझे मतलब? तू चुपचाप बैठ के हमारा नमक का। अच्छा अजय बैठो ना, चाय आराम से पियो। ओ मीरा, तू भी आना हमारे साथ चाय पी ले। नहीं माँ, आप लोगों को और सैंडविचेस चाहिए? ये हो क्या रहा है? किसी चीज का कुछ ज्यादा ही प्रभाव है मुझ पे। इसका मतलब तय है कि यहाँ पे कोई नकारात्मक शक्ति है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। वो मैं, I'm sorry, वो मुझे नॉक करके आना चाहिए था। नहीं मैं ठीक हूँ, I'm fine। तुम्हें कुछ चाहिए था क्या? हाँ वो तुमने वो जो डिनर पार्टी प्लान की है, क्या उसके लिए मेरी माँ आ सकती है? मुझे पता है कि तुम्हें मेरी फैमिली से कुछ खास लगाव नहीं है, लेकिन मेरी माँ, उनकी इसमें कुछ गलती नहीं है, वो हमारी जैसी नहीं है तो। हाँ बिल्कुल, वो हमारे डिनर पार्टी का हिस्सा हो सकती है, मैं उन्हें बोल दूंगी। थैंक यू। अनी, I'm sorry, ये तुम्हें क्या हो? तुम ठीक हो? कोई नकारात्मक शक्ति का असर है मुझ पे, मुझे नहीं पता क्या है, कौन है, पर कुछ तो असर है। अरे तुम आओ, तुम दब रही हो। आओ बैठो, आओ इधर आओ। नहीं मैं विराम चुका हूँ। प्लीज आओ बैठो, प्लीज बैठो। मैं पानी दिखाओ। नहीं विरांचो, मैं ठीक। मुझे पता है कि तुम आदि नागिन हो, चीनों की सबसे बड़ी दुश्मन हो, लेकिन इस वक्त तुम मेरी बीवी हो जिसका मुझे ख्याल रखना है। मुझे कोई नहीं रोक सकता है, खुद मेरी बीवी भी नहीं। प्लीज प्लीज वर... तुम मुझ पर कभी भी हमला कर सकती हो, मुझे ये भी पता है, लेकिन पता है क्या, मुझे मंजूर है, मैं रिस्क ले लूंगा। प्लीज प्लीज पानी, प्लीज। बेटर फील कर रहे हो? तुम मुझे ऐसे देखोगे ना तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा, फिर तुम्हें मेरा ख्याल रखना पड़ेगा।
चेंज करना, मैं अब ठीक हूँ। थैंक यू। प्लीज थैंक यू मत कहो, क्योंकि कुछ भी हो जाए मैं हमेशा हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तुम्हें जितना डांटना है तुम डांट लो, मैं कभी नहीं सुधरूंगा। प्रॉमिस। आज घर में पार्टी है, अब जल्दी से तैयार। माँ, माँ, माँ कहाँ गई? एक बार बाथरूम में चेक करना, शायद वहाँ हो। हाँ। माँ, तुम ठीक हो? उठो वाणी। कौन मारेगा आपको? कैसी बातें कर रहे हैं? कोई है। कौन है? कोई है वो। अरे किसकी बात कर रही हैं आप? वो उसके। अरे पागल। वो किसकी बात कर रही हैं आप? उसके लंबे लंबे बाल हैं, बहुत डरावनी शक्ल है उसकी। और उसके उसके हाथ, उसके काले काले नाखून, उसके हाथों में घिनौने लंबे लंबे नाखून। मुझे मार दे। कुछ कुछ नहीं होगा माँ। मुझे मार दे। मुझे मार दे। भाई साहब ऐसे बुरा मत माना, एक बात बताना, आपने लव मैरिज की थी अरेंज? आपकी शक्ल देख के नहीं लगता कि आपने लव मैरिज की होगी, है ना? Hey guys, भाई साहब। अच्छा ये डिनर पार्टी हो रही है, सब एक जगह होंगे तो मैं भी पहचान पाऊंगी कि वो तामसिक ताकत जिसका मुझ पे इतना बुरा असर हुआ है वो कहाँ से आ रही है, और जिससे तुम मैं तुमसे बात कर रही हूँ कहाँ इधर उधर देख रहे हो तुम? नहीं वो आउच, तुम जलिस हो रही हो स्वीटहार्ट। तुम्हें लग रहा है कि मैं किसी बाहर वाली को ढूंढ रहा हूँ। अगर कोई बाहर वाली आएगी भी ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिखता है दिखता है। बाय द वे वो मैं पंकी से मैंने कहा कि वो मॉम को लेकर आया और वो आ गया। बैठिए माँ, बैठिए। उधर का देख रहा है, एक सेकंड के लिए भी माँ से नजर मत हटाना। बैठिए आंटी जी। इनकी चिंता से दूर हो गए, अब हमें शैतान को ढूंढना है। ढूंढने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल तुम्हारे सामने है वो रहा शैतान, इवा।
चलो अब मैं कह सकता हूँ कि सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक हो रहा है।